अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बना रही हूँ बेसन आलू के पकोड़े। जो मैंने उसको आलू को अच्छी तरह से किस लिया था, उसको बारीक कर लिया था, फिर इसको बारीक करना है, अच्छी तरह से धोना भी है, मतलब वॉश करना है इसको, और फिर सारे मसाले डालना है। ये मैंने बेसन लिया था, यहाँ पे एक कटोरी बेसन था, यहाँ हरी मिर्ची थी और ये प्याज थी और हरा धनिया डाला था, और फिर अदरक भी इसमें डाला था। थोड़ा सा अदरक भी ऐड करना है, जो तो उससे क्या है कि बहुत अच्छी तरह स्वाद आता है और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर इसके अंदर सारे मसाले डालना है, जो कि नमक था, कस्तूरी मेथी थी, आलू का मसाला भी था, हल्दी थी, मिर्ची भी थी, नमक भी डालना है, ये सारे मसाले, हींग भी, सारे मसाले इसके अंदर डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह हाथों से सारा आटे की तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि पहले से ही आलूओं में पानी था, इसलिए आलू अपने आप ही उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसमें पानी नहीं डालना है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से उसको वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूं, और मुझे आप सबसे ताकि हौसला मिलेगा। और ये मैंने बेसन के ये पूरा घोल अच्छे से बना के तैयार कर लिया था। ये कढ़ाई यहाँ रख दी थी मैंने, इसके अंदर से ऑयल डाल दिया था, ताकि अच्छे से ये इसको ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल को गर्म हो इसको गर्म हो रहा है, ये मैंने गोल गोल यहाँ हाथों पे पकौड़े बना लिए थे और इसके कढ़ाई के अंदर मैंने छोड़ दिए थे, ताकि ये अच्छे से कलर हो जाए। और ये मैंने पकोड़े बाकी के डाल दिए थे, यहाँ पे गोल गोल ही बनाना है पकोड़े, ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं, और यहाँ पे खाने में बड़ा टेस्ट आता है। और यहाँ अच्छे से इनको पकने देना है, कुछ देर तक अच्छी तरह से पकने देना। मैंने पकौड़े यहाँ पे निकाल लिए हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह तले हो चुके हैं। ये पकौड़े मैंने प्लेट में निकाल लिए थे, इनको या सॉस के साथ या आप किसी भी चीज़ चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। इनको पास से देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे हो गए हैं, ये क्रिस्पी टाइप के हो गए हैं। अब यहाँ पे यहाँ मैंने आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ उनको, देखिए कितने अच्छे अंदर से भी पक चुके हैं, और तोड़कर भी बाकी तैयारी भी दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सारी तैयारी रखी हुई थी, जो अजान का टाइम हो रहा था मैं इंतज़ार कर रही थी, और तैयारी